हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट गॉड मदर इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी आई एम पूजा टीचर आर यू फाइन आई होप यू आर फाइन ओके नेक्स्ट टाइम हमने वोवेल्स अह तक कंप्लीट कर लिए थे आज हमारे कॉन्स्टेंट स्टार्ट करेंगे मीन्स कॉन्स्टेंट मीन्स व्यंजन व्यंजन में कौन से कबूतर से स्टार्ट होता है देखिए स्टूडेंट क से कबूतर क से कमल जैसे हमने ए फॉर एप्पल में पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल होता है उसी तरह क से कबूतर होता है क से कमल होता है ओके आज हम क्या सीखेंगे क क ड्रॉ करना सीखेंगे क बनाना सीखेंगे देखिए पहले हमको इधर क को ट्रेस करना है पहले हमको ये बिंदु दी गई है इसमें ट्रेस करना है क को पहले ऐसे लाइन फिर ऐसे ऐसे और ऐसे इस तरह हमको क को ड्रॉ करना है ओके पहले हमको ट्रेस करना है फिर हमको देखिए चलो मेरे साथ साथ आप भी राइट कीजिए का एकदम धीरे धीरे देखिए फिर आपको ऐसे धीरे धीरे क बनाना है ओके बिल्कुल रॉन्ग नहीं होना चाहिए ऐसे हमको पहले धीरे धीरे ऐसे ऊपर लाइन खींचनी है फिर एक सीधी लाइन खींचनी है फिर ऐसे करना है ओके ये क्या है हमारा क रेडी इस तरह हमको पूरा क कंप्लीट करना है आज आज क्या करना है पहले हमको वर्क बुक में हमारा क क लिखना सीखना है ओके अब देखिए हमने ट्रेस कर लिया अब हमको अच्छी तरह क बनाना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह आपको भी बनाना है ओके हमने क यहाँ पे बनाया ये क हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है ये हमने क लिख लिया पूरा क से कबूतर क से कमल ओके अब देखिए नीचे क्या है रंग भरो मतलब क्या है ये क्या दिया गया है कबूतर है ये किसकी पिक्चर दी गई है हमको कबूतर की पिक्चर दी गई है और इधर दिया गया है क तो हमको क्या करना है अब इस क में पूरे में कलर भरना है और इस कबूतर में भी कलर भरना है ओके तो देखिए नेक्स्ट लेटर है हमारा ख ख से खरगोश ख से खरबूजा ओके ये क्या है ख से खरगोश है और ख से खरबूजा है अब हमको क्या करना है ख बनाना सीखना है देखिए ख हम कैसे बनाएंगे पहले हमको इस पर ट्रेस करना है ऐसे करके ऐसे करना है फिर ऐसे करना है ओके फिर हमने इधर ऐसे बनाया ओके ओके ये देखिए ख ये हमने क्या बनाया ख बनाया देखिए हमने बनाया ख
ये हमारा ख इज रेडी। इस तरह आपको सभी को क्या करना है, ख को ट्रेस करना है पहले। ख नेक्स्ट क्या है, ख। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको ऐसे ही सारे ख बनाने हैं। ओके क्या है ख, इस तरह हम बोलते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ख ख से खरगोश, फिर नेक्स्ट है ख से खरबूजा। अब देखिए हमको ट्रेस तो कंप्लीट हो गया हमारा, अब हमको खुद से इधर ख राइट करना है। ख ख ख ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खरगोश, ख से खरबूजा। ओके इसी तरह आपको ये ख भी, जैसे हमने क कंप्लीट किया है वैसे ही आपको ख भी कंप्लीट करना है पूरा। मैं आपको पूरा ख कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। ओके स्टूडेंट, हमारा ख कंप्लीट हो गया। अब देखिए नीचे रंग भरो, मतलब हमको क्या करना है, अब इसमें रंग भरना है। कौन सा लेटर दिया गया है हमको, कौन सा वर्ड दिया गया है, अक्षर ख। इसमें क्या करना है हमको, ख में पहले अच्छी तरह कलर भर देना है, इसमें पूरे में अच्छी तरह कलर भरना है, और फिर खरगोश में भी कलर भरना है। ओके फिर से हम रिविजन करेंगे। देखिए क से कबूतर, क से कबूतर, क से कमल, क से कमल। ओके क से कबूतर, क से कमल। ओके आपको ऐसे ही क से कबूतर पूरा क लिखना है, अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है, और नीचे इस क में क्या करना है, आपका मनपसंद फेवरेट कलर भरना है क में, और कबूतर में कलर भरना है। कबूतर में आप कौन सा कलर भरोगे, कबूतर में आप ब्लैक कलर भरोगे। ओके कबूतर कौन से कलर का होता है, कबूतर कबूतर मींस क्रो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम कबूतर को, क्रो बोलते हैं, क्रो कहते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, क्रो। और क्रो कौन से कलर का होता है, क्रो इज ब्लैक, मींस कौवा काले कलर का होता है। ओके नेक्स्ट लेटर है हमारा ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश जंगलों में रहता है अधिकतर। खरगोश को हम पाल सकते हैं, हाँ अगर हम खरगोश हमारे घर में भी हम रख सकते हैं, खरगोश को पाल सकते हैं। खरगोश कैसे कलर का होता है, खरगोश व्हाइट कलर का होता है। ओके खरगोश कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। खरगोश रैबिट इज व्हाइट, खरगोश की इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, रैबिट कहते हैं, रैबिट इज व्हाइट। ख से खरबूजा, ख से खरबूजा। ओके देखिए खरबूजा इसमें हमको कौन से कलर का दिखाई दे रहा है, खरबूजा देखो बाहर से तो ब्राउन कलर का है और अंदर से देखिए थोड़ा ऑरेंज टाइप दिख रहा है। ओके ये क्या है, ख से खरबूजा है। इसी तरह हमको ये ख पूरा लेटर अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। देखिए अपने ने अभी ये वर्कबुक में ख कंप्लीट किया था, इसी तरह हमको ख पूरा कंप्लीट करना है। और नीचे क्या करना है, नीचे कौन सा लेटर दिया गया है, ख। इसमें हमको हमारा फेवरेट, ख में कोई सा भी फेवरेट कलर भर सकते हैं,
और ख, और ये रैबिट है। रैबिट में हम कौन सा कलर भरेंगे? रैबिट तो व्हाइट कलर का होता है, ओके। इसलिए आपको देख लेना है, आपको होमवर्क में आप क्या करना है, होमवर्क में आपको पेज नंबर 4 लेटर क और पेज नंबर 5 लेटर ख आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है और नोटबुक में भी राइट करना है, ओके। थैंक यू।